सो हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई, आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है मैट्रिक और इंटर का। तो रिजल्ट के हवाले से नई अपडेट्स आई हैं, आपके रिजल्ट कार्ड के अंदर जो है वो चेंजिंग होने जा रही है। तो भाई, जैसा कि पहले बताया गया था कि आप लोगों को एवरेज मार्क्स देकर जो है वो इस साल प्रमोट किया जाएगा, मतलब आपको एवरेज नंबर देकर जो है पास कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के नंबर कम है उनको भी एवरेज नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। अब भाई साहब, ये फैसले के अंदर चेंजिंग हुई है, न्यूज़ के अंदर भी बता दिया गया है, साइट पे आपको दिख भी जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो बच्चे इस साल जो है वो पास किए जाएंगे, मतलब रायती नंबरों से बच्चों को पास किया जाएगा, तो उन बच्चों की जो इसनाद होगी या वो बच्चे जो रायती नंबर से पास होंगे उनका रिजल्ट कार्ड होगा उस पर मेंशन किया जाएगा कि इन बच्चों को एवरेज एक्स्ट्रा मार्क्स देकर जो है वो पास किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो उनकी तरफ से दी गई है और ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भाई रिजल्ट से पहले पता चल जाए कि भाई अभी क्या और किस तरीके से हमारा जो है वो रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तमाम क्लासेस का रिजल्ट फेडरल बोर्ड के अंदर और पंजाब बोर्ड के अंदर रिजल्ट आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की अपडेट के बारे में पता चल गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताइएगा क्या ये अपडेट जो है दी गई है, क्या ये सही फैसला किया गया है या नहीं। नीचे कमेंट्स के अंदर जाके आपने लाजमी बताना है। और भी देखते हैं क्या ये चीज़ जो है फॉलो भी होती है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो बातें होती हैं गवर्नमेंट करती है लेकिन फॉलो नहीं करती, और भाई हमारे ख्याल में ये फॉलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स को जब जॉब्स आगे लेनी है तो भाई वहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नई अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचते रहें।